एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गोइंग ग्रेट इन योर जॉब्स। बट हाँ, कभी कभी हम लोग हमारी स्टडीज में और हमारे गोल को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, मैं एकदम, आपने सही समझा कि मैं एकदम हॉट टॉपिक पे आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ, दैट इज हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज और फोकस। कुछ टिप्स लाई हूँ जिनपे आप लोग फोकस कर सकते हैं आपकी स्टडीज पे। जी हाँ, अब हम लोग पढ़ने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन हाँ, हमें कॉन्सेंट्रेशन या फोकस नहीं बन पाता है। हमारा दिमाग कुछ वीडियो गेम्स पे जाता है, तो कुछ मूवीज पे, कुछ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उन सब पे जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना होगा, हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करना होगा। तो अब हम बैठ तो गए पढ़ने के लिए, बट अब कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले अपने कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करेंगे, और किसकी हेल्प से, हम कुछ ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स खेलेंगे, ठीक है। सो इसमें एकदम से आपने कहीं नहीं सुना होगा कि गेम्स, ये भी कोई कॉन्सेंट्रेशन बूस्टर के लिए होता है क्या? तो जी, आपने ये एकदम सही सुना है, हम गेम्स खेलेंगे, जैसे कि सुडोको, क्रॉसवर्ड पजल्स, चेस गेम्स और पजलिंग गेम, वर्ड वैप्स और ऐसे कुछ मेमोरी गेम्स खेलेंगे। गेम्स का मतलब ये नहीं है कि आप पबजी खेलो या फ्री फायर खेलो। अरे भाई, रुको तो ज़रा, ज़्यादा आगे मत जाओ, हम स्टडी गेम्स खेलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम एकदम स्टडी गेम्स खेलेंगे जो हमारी ब्रेन को स्मूथ करेगा। और फिर आता है स्लीप। जी हाँ, स्लीप, अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, अगर हम मतलब सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम सबसे ज़्यादा अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अगर कम स्लीप होगी तो देन ऑटोमेटिकली वी विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन आर स्टडीज, ओके। सो ये मेरे साथ बहुत होता है, अगर लाइक मैं जल्दी उठ जाती हूँ या प्रॉपर स्लीप नहीं लेती, लाइक 4 आवर्स की स्लीप लेती हूँ, तो मेरा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता। इससे अच्छा है कि आराम से स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन या सबसे बेस्ट प्रॉपर स्लीप होती है 6 to 7 hours, 5 to 6 भी सही रहता है, लेकिन 6 hours इज मैक्सिमम। बट अगर आप कभी ठीक नहीं हो तो ओके, 8 hours की ले लो। बट हाँ, स्टडीज़ में एकदम कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका अगर आप प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल को फॉलो करोगे तो आप प्लीज़ आपकी स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू एक्सरसाइज डेली। येस, आपने सही सुना, एक्सरसाइज, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, बट जब से मैंने करना स्टार्ट किया है ना, ट्रस्ट में मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बूस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ये चीज़। तो कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन तो बूस्ट होगा ही, इसके साथ आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी, आप बहुत सारी डिजीजेज को भी प्रिवेंट करोगे, तो इससे आपका फिगर भी मेंटेन रहेगा, आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी तरह से होंगी। फिर आता है लिटिल ब्रेक, लाइक ड्यूरिंग, आपने लाइक आप बहुत देर से पढ़ रहे हो तो थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा गार्डन में घूम के आओ, इको फ्रेंडली भी हो गए इससे आप, तो इससे आपका मेडिटेशन भी होगा, आपका ब्रेक टाइम भी अच्छा जाएगा। क्योंकि ना होता क्या है, कभी कभी ना हमारा ब्रेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट नहीं कर पाता, और फिर हम ना पढ़ाई से उठ जाते हैं, लाइक बहुत देर से बैठे हुए हैं, फिर मोबाइल चलाने लग जाएंगे, कर लेंगे। नो, वी नीड टू बी मोर इको फ्रेंडली, जिससे कि हमारा, हमारी आई साइट को भी थोड़ा अच्छा फील होगा, हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और फिर हमारा थोड़ा लिटिल ब्रेक से हमें अच्छा फील होगा। और फिर आता है हेल्दी थिंग्स, येस वी नीड टू ईट हेल्दी फूड। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, सो येस वी नीड टू ईट हेल्दी फूड। अब आप बोलोगे यार मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है, मैं कैसे खाऊंगी वो? अरे बहुत टेस्टी तरह से खाओ, कभी चाट बना के खाओ, कभी क्या बना के खाओ, ताकि आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ के लिए हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक साथ मल्टीटास्क करने की ज़रूरत मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप लोग के बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो ना, उसके चक्कर में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो, लाइक आपका टास्क भी कर रहे हो, आप लर्निंग भी कर रहे हो, आपको गेम भी खेलना, तो एक साथ कोई भी एक चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। वन बाय वन करोगे तो जल्दी भी होगी और एकदम फोकस भी और कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ना स्पेशली आपको साइलेंस में वर्क करना जरूरी है, अगर आप वर्क साइलेंस में करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बूस्ट होगा और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, डेली टारगेट सेट करोगे तो जल्दी से जल्दी काम होगा, आप सोचोगे कि अच्छा आज मुझे इतना काम करना है, तो उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन भी होगा और आपका डेली टारगेट भी कंप्लीट होता जाएगा। फिर आपके पेरेंट्स, और हाँ प्लीज़ पेरेंट्स को तो भूलना ही मत आप लोग, आपको पता है आपके पेरेंट्स ने सबसे बड़ा मोटिवेशन और फोकस आपका पेरेंट्स ही होना चाहिए। पेरेंट्स ने आज तक आपके लिए जो किया है, आपको आपका टाइम आ गया टू गिव इट बैक टू देम, मेक देम प्राउड। सो जो भी करो, फुल ऑन फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से करो। सो दीज आर द सम टिप्स फॉर दिस फोकस, एंड प्लीज़ थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो बाय।